हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 5 एसएसटी। चैप्टर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। नाउ वी स्टार्ट पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो कोंगो रीजन है वहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में रीड करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हैज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है एंड हैज़ अबाउंड डेंट सनशाइन, इसीलिए यहाँ की सनशाइन बहुत ज़्यादा होती है और रेन भी थ्रू आउट द ईयर होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ का जो लार्ज पार्ट है वह किससे कवर्ड होता है, डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड होता है। द फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वराइटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में अलग अलग वराइटी के ट्रीज होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल। और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं मोस्टली टॉल होते हैं। दे ग्रो क्लोज टूगेदर और यहाँ बहुत क्लोजली ग्रो होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास ग्रो होते हैं। फॉर्मिंग अ थिक कैनोपी ऑफ लीव्स। और फिर ये क्या बनाते हैं, कैनोपी बना लेते हैं। कैनोपी का मतलब है इस तरह का शेप बना लेते हैं, कोन शेप। इनका जो टॉप होता है, टॉप पर कोन शेप होते हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड कैनोपी ऑफ लीव्स दैट डज नॉट इवन अलाउ टू सनशाइन टू रीच द ग्राउंड। और जब यह जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं क्या अलाउ नहीं करते, यह सनशाइन को ग्राउंड तक पहुंचने को अलाउ नहीं करते। द फॉरेस्ट विच रिसीव कॉन्सिस्टेंट रेन एंड आर एवर ग्रोइंग आर नोन एज रेन फॉरेस्ट। और जब सनशाइन के ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती और थ्रू आउट द रेन होती है तो यह इनमें क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है एंड इट्स कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। द रेन फॉरेस्ट इन द DRC इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो रेन फॉरेस्ट है ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कोंगो में, ये DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में। द ट्रीज आर एवर ग्रीन एज दे आर कवर्ड विद लीव्स थ्रू आउट द ईयर्स। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं एवर ग्रीन होते हैं, मतलब सदाबहार होते हैं, सदा ही हरे भरे बने रहते हैं। दे आर कवर्ड विद लीव्स, यहाँ लीव्स से कवर होते हैं थ्रू आउट द ईयर। साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ वास्ट ग्रास लैंड। कंट्री के साउथ में और साउथ वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पर वास्ट ग्रास लैंड है, बहुत बड़ा ग्रास लैंड है। दीज आर कॉल्ड साउनास और इनको साउनास कहते हैं। हियर टाल ग्रासेस एंड स्कीटर्ड ट्रीज आर फाउंड। और यहाँ पर टॉल ग्रासलैंड्स, लंबे घास होते हैं एंड स्केटर्ड ट्रीज आर फाउंड और फैले हुए ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस रेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यह जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ की ग्रासलैंड है, यह किसके लिए होम है, लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की वाइल्ड लाइफ फाउंड होती है। द ग्रासलैंड हैव लायंस, जिराफ्स, एलिफेंट्स, एंटीलोप्स and a variety of snakes is inhabitants many rare species of gorillas, chimpanzees and baboons roam in the forest freely। देखिए यहाँ पर इतने टाइप के जो वाइल्ड लाइफ है फ्रीली घूमते हैं। द एरियाज नियर द रिवर आर होम ऑफ हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल्स। और जो रिवर के आसपास का एरिया है वह किसका होम है, हिप्पोपोटामसेस एंड द क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के लिए। नॉट ओनली दिस द कंट्री इज ऑल्सो होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड एनिमल्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रेट वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी होते हैं एंड बटरफ्लाइज होती है सच एज टोकैंस, हैमिंग बर्ड्स, मोकाउस एंड पैरोट्स। मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव्स ऑन ट्रीज सच एज मंकी। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड एक साथ ट्रीज पर रहते हैं सच एज मंकी एंड फ्लाइंग स्क्वायरल्स। मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द रीजन। एनिमल्स बर्ड्स के साथ साथ बहुत सारे तरह के इंसेक्ट भी हम पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द टेस्टिस फ्लाई के साथ। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। नाउ वी रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एंड रीड अबाउट इंडस्ट्रियल एरिया। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हैज़ वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड अबाउंडेंट वाटर रिसोर्सेज। एज यू नो यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज है और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ थ्रू आउट रेन होती है तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड एंड रबर, यहाँ के फॉरेस्ट से मोस्टली वुड और रबर मिलता है। रबर टायर्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर टू वेरियस अदर कंट्री। यहाँ के जो रबर टायर है वह
कंट्री के अदर पार्ट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. वाटर रिसोर्सेज आर मेड यूज अप बाय बिल्डिंग डैम्स, और वाटर रिसोर्सेज का यूज़ बिल्डिंग डैम बनाने में किया जाता है. ओवर डैम आर प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उन डैम का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है. द DRC इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स. DRC में रिच इन मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. मिनरल्स फाउंड इन द कंट्री इंक्लूड कोबाल्ट, और यहाँ पर मिनरल वाले मिनरल्स में मेन है कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, अरे एंड कोल. ये सारे मेनली मिनरल्स यहाँ फाउंड होते हैं. द कंट्री हैज़ अबाउट 65% ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिजर्व्स ऑफ कोबाल्ट. देखिए, वर्ल्ड का जो 65% कोबाल्ट है वह केवल DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में पाया जाता है. हाउएवर द कंट्री हैज़ नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली. इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी यह जो कंट्री है इनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकती. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड एज द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री आर नॉट वेल डेवलप्ड. देखिए, यहाँ पे मिलने वाले जो मोस्टली मिनरल्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, एक्सपोर्टेड कर दिए जाते हैं एज द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री आर नॉट वेल डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है. एट प्रेजेंट द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और यहाँ पर कोंगो की जो इंडस्ट्रीज है वो मेनली किस पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर बेस्ड है. कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चर्ड इन किन्शासा एंड लुम्बासी. यहाँ पर मेनली कंज्यूमर गुड्स जैसे कि शूज़ और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं कहाँ पर, किन्शासा एंड लुम्बासी में.